हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहित और आज हम बनाने वाले हैं मुंबई की फेमस पाव भाजी, वो भी बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। पाव भाजी बनाने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में हमने लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला, स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही हमने ले लिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू और 100 ग्राम के लगभग हमने लिए फूल गोभी, 1 बड़ी कटी हुई शिमला मिर्च, 100 ग्राम के लगभग कटी हुई पत्ता गोभी, 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर, 1 कप के लगभग फ्रोज़न मटर, 3 से 4 हरी मिर्ची और 4 से 5 कटी हुई लहसुन की कलियाँ और 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। गार्निशिंग के लिए हमने लिया है हरा धनिया और पाव भाजी के लिए सबसे ज़रूरी फ्रेश बटर और फ्रेश पाव। इसके बाद हम एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं। प्रेशर कुकर में हम कटे हुए आलू, कटे हुए टमाटर, कटे हुए फूलगोभी, कटी हुई पत्ता गोभी और कटी हुई शिमला मिर्ची डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम 1/2 चम्मच के लगभग इसमें नमक डाल लेते हैं। नमक डालने के बाद इसमें हम पानी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसे 4 से 5 विसल तक के मीडियम फ्लेम पे इसे प्रेशर कुक होने देते हैं। इसके बाद हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेते हैं। नॉनस्टिक कढ़ाई पे हम 1 चम्मच बटर लेते हैं। बटर को हम अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं। बटर के मेल्ट होने के बाद इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल इसलिए ऐड करते हैं ताकि बटर जल ना जाए। इसके बाद इसमें हम जीरा लेते हैं। जीरे को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे भून लेते हैं। जीरा के भूनने के बाद इसमें हम कटी हुई हरी मिर्ची और कटे हुए लहसुन को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं, साथ में कटे हुए प्याज और हम इसमें 3 तेज़पत्ता ऐड कर लेते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, इसे हम नरम ही रहने देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, टेस्ट और कलर के लिए 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम पका लेते हैं। मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डालने के बाद इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर ऐड करने के बाद इसमें हम डालते हैं कटे हुए टमाटर। कटे हुए टमाटर डालने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से करते हैं मिक्स, ताकि टमाटर और मटर जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। अब इस स्टेज तक आते तक हमारा प्रेशर कुकर हो गया अच्छी तरीके से ठंडा। इसे कर लेते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद इसे हम मैशर का यूज़ करके सभी सब्जियों को हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं मैश। सभी सब्जियों को अच्छे से मैश करने के बाद हम मैश करी हुई सभी सब्जियों को कढ़ाई में कर लेते हैं ट्रांसफ़र और इसे हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। मिक्स करने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। हमने टमाटर और मटर को प्रेशर कुक नहीं किया था, उसे हमने कढ़ाई में ही पकाया था, इसलिए हम फिर से एक बार मैशर का उपयोग करके सभी सब्जियों को अच्छी तरीके से कर लेते हैं मैश। मैश करने के बाद इसमें हम फिर से एक बार बटर और पाव भाजी मसाले से इसमें फिर से लगाते एक बार तड़का। इसके लिए हम फिर से एक बार ले लेंगे बटर, इसे होने देते हैं हम मेल्ट। जिस तरह मार्केट में तवे पे पाव भाजी बनाते हैं उसी स्टेप को हम फॉलो करते हैं। बटर के मेल्ट होने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। अभी हमारी ग्रेवी काफ़ी थिक है, इसके लिए इसमें हम ऐड कर लेते हैं 1 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। भाजी हमारी बन के रेडी है। अब इसमें हम लगाते एक बार लाल मिर्ची से तड़का और इसमें डालते हैं बटर
और इसे गार्निश करते हैं हरी धनिया से। इसके बाद हम ले लेते हैं पाव। पाव का हम करते हैं बीच में से कट। पाव का हम पूरा कट नहीं करेंगे, सिर्फ 80% ही हम इसे कट करेंगे। इसके बाद हम एक पैन में बटर लेते हैं। बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। बटर के मेल्ट होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालते हैं, इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके बाद थोड़ी सी भाजी लेते हैं, भाजी को भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसके बाद हम इसमें पाव को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं। पाव भाजी हमारी बिल्कुल बन के रेडी है, इसे हम कर लेते हैं अब सर्व।